आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाना लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। तो उसकी सामग्री मैं साबूदाना ली हूँ, आप छोटा या बड़े दाने का जो भी हो आप उसे लेके और एक कटोरी ले लीजिए या कप या गिलास जो आपके पास हो उसी से आप एक नाप बनाइए। तो आप इसको क्या करना है, एक कटोरी में साबूदाना लेके और मैं भिगो दी थी 4-5 घंटे के लिए, 4-5 कटोरी पानी में, पहले 2-3 पानी धो ली, फिर 4-5 कटोरी पानी डाल के और 5 से 6 घंटे के लिए रख दी थी। तो ये हमारा अब देखिए एकदम एक एक दाना खिला हुआ फूल के तैयार हो गया है। और मैं इसे फिर अभी मैं पानी छान के एक छन्नी में ऐसे रख दी हूँ, देखिए इतना पानी अभी भी निकला हुआ है। अब ये हमारा लड्डू बनाने के लिए तैयार है। मैं इसे आपको दिखाने के लिए रखी थी और मैं फुला चुकी हूँ। इसी दाने को मैं भिगो के एक कटोरी के से नाप से रखी हूँ। तो हमें एक कटोरी चीनी चाहिए, थोड़ा सा मैं काजू ली हूँ, आपको अगर पिस्ता या बादाम कोई चीज और पसंद हो फ्रूट में तो उसको भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं कलर डालूंगी, कलर आपकी इच्छा हो डालिए, नहीं तो मत डालिए, कोई जरूरत नहीं है। और इसमें मैं इलायची के 3-4 बीज रख ली हूँ, इसको कूट के डालूंगी। और मुझे 2 से 3 चम्मच ज़्यादा घी लगेगा। तो अब मैं अपना लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। पहले अपना इंडक्शन मैं ऑन कर लेती हूँ। इंडक्शन अपना ऑन कर ली हूँ, इसमें मैं 1.5 चम्मच घी डाल के रखी हूँ। घी हमारा थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें साबूदाना डालती हूँ। हमारा घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें अपना साबूदाना डाल देती हूँ और इसको धीमी आंच पे ही फ्राई करना हमें तलना है। बराबर चलाते रहना है, वैसे अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई हो उसी में बनाइए कि चिपकेगा नहीं। और अगर नहीं है तो आप क्या करिए, घी में डाल दीजिए और पूरे कढ़ाई में लगा दीजिए तो उससे भी नहीं चिपकेगा। इसको जब ऐसे धीरे धीरे चलाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या कई बार भी देख चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँचे। इस लड्डू को आप बना के रख सकते हैं टाइट डब्बे में, 9 दिन तक व्रत में बहुत आराम से खा सकते हैं। हमें 5 मिनट चलाते हुए इसे हो गया है, अब ये आप देख सकते हैं एक एक दाना खिल गया है। अब ये हमारा पहचान है कि हमारा साबूदाना पक चुका है। अब इसी में हम चीनी भी डाल देते हैं, हमें इसमें अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसे अब ऐसे चलाते हुए इसको घुलने देंगे और चलाते हुए एकदम पकाएंगे। एक कटोरी चीनी इसमें परफेक्ट है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो और डाल सकते हैं, अगर और कम खाते हो तो थोड़ा मोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन इतना चीनी अच्छा इसमें बनेगा लड्डू के लिए। मैं इसे चीनी घुलते वक्त तक चलाती रहूंगी। हमारी चीनी चलाते चलाते ये घुल चुकी है और देखिए एकदम जैसे लग रहा है चाशनी बन गई है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर डालूंगी, कलर आपकी इच्छा हो डालिए, नहीं तो मत डालिए,
वैसे कलर डालने से ज्यादा अच्छा कलर में दिखेगी ये बूंदी। आपको अगर नहीं कलर खाना है तो कलर मत डालिए, आप इसमें केसर के धागे थोड़ा सा दूध में भिगो के उसको भी डाल सकते हैं। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं और नहीं कलर खाना है तो कुछ मत डालिए, बिल्कुल प्लेन बनाइए। और इसे अब हम चलाते हुए एकदम लड्डू के मिश्रण में बनाना है, एकदम सूखा बनाना है, ऐसे चलाते रहना है बराबर। अब हमारा चाशनी एकदम सूख गया है और अब इसमें मैं इलायची का पाउडर भी डाल देती हूँ, कूट के जो रखी थी। इसी तरह आपका तैयार होना चाहिए। अब ये लड्डू बनाने के लिए हमारा तैयार हो गया है मिश्रण। अब इसे मैं हटा देती हूँ और एक फ्राई पैन रखती हूँ, क्योंकि मैं गलती कर दी। आप लोग जब कढ़ाई में तेल घी गरम करें तो उसी में काजू को फ्राई कर लीजिए, तब साबुदाना डालिए। मैं भूल गई, इसलिए मुझे फ्राई पैन यूज करना पड़ रहा है। इसी में थोड़ा सा घी डाल के अब मैं काजू को फ्राई करूंगी। घी हमारा गरम हो गया है, अब इसमें मैं काजू डाल देती हूँ। थोड़ा भूनने से स्वाद भी बढ़ जाएगा और एक करारी भी हो जाएगी। हमारा काजू हो गया है, अब मैं अपना इंडक्शन बंद करती हूँ और इसको मैं बूंदी के उसमें साबुदाने के लड्डू में मिलाती हूँ। अब मैं अपने लड्डू में काजू को डाल देती हूँ। अब हमारी कढ़ाई है गरम, ये जल्दी ठंडा नहीं होगा लड्डू बनाने के लिए, इसीलिए मैं प्लेट में निकाल देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर लड्डू बनाएंगे। अब मैं ठंडा होने देती हूँ, फिर लड्डू बना के दिखाती हूँ। हमारा मिश्रण अब ठंडा हो गया है, मैं थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेती हूँ ताकि ये चिपके ना और लड्डू हमारे परफेक्ट बने। घी मैं लगा ली, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। आप लड्डू छोटा बड़ा जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाइए। देखिए कितना अच्छा बन रहा है और ये बहुत जूसी भी है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका मिश्रण गीला है तो कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर आप और पका सकते हैं, और अगर सूख गया है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप उसमें थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। दोनों आइडिया से आपका लड्डू परफेक्ट बनेगा। गीला का भी उपाय है और सूखे का भी उपाय है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे आपके सारे लड्डू बना के तैयार करना। मैं दो लड्डू बना के आपको दिखा दी और इसी तरह मैं सारे लड्डू बना के तैयार करूंगी। मैं सारे साबुदाना लड्डू बना के तैयार कर ली हूँ। इसे आप व्रत शुरू होने से पहले बना के अगर आप एक डब्बे में रख लेंगे 9 दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारे व्रत नवरात्रि के लिए लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। एक बार जरूर बनाइए और खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।